लव सोनिया एक बहुत ही खूब बॉलीवुड अपकमिंग मूवी है जिसे 21 जून 2018 को लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर मिला। फिल्म के मुख्य किरदार पर है मृणाल ठाकुर, फ्रीडा पिंटो, डेमी मूर, मार्क डुप्लस, मनोज बाजपाई, राजकुमार राव, रिचा चड्डा, रिया सिसोदिया और अनुपम खेर। ये फिल्म एक बहुत ही निडर और साहसी लड़की सोनिया के बारे में है जो कि अपने बहन के खोज में निकलता है जो देह व्यापार के काली दुनिया में फंस जाता है। पूरे फिल्म में सोनिया के अपने बहन को ढूंढने और रेस्क्यू करने को ही दिखाया जाएगा। फिल्म को ग्लोबली बहुत ही पसंद किया गया और इंडियन एक्सप्रेस से ये पता लगा है कि 2018 के मेलबोर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट इंडी फिल्म का अवार्ड भी जीता है जो देह व्यापार के इंडिया से लेकर हांगकांग और लॉस एंजलिस के नेटवर्क को बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाता है। फिल्म में सोनिया के रोल पर है मृणाल ठाकुर जिनका ये बॉलीवुड में डेब्यूट फिल्म होगा। फिल्म को निर्देश दिया है तबरेज नूरानी ने। फिल्म का आइडिया उन्हें 2003 के लॉस एंजलिस में आया जब उनका सामना ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हुई जहां चाइना से ट्रेड किए कई लड़कियों में उनमें एक भारतीय लड़की भी थी। लाइफ ऑफ पाई जैसे जबरदस्त फिल्म के बाद तबरेज नूरानी और डेविड वोमार इस फिल्म में 3 साल से काम कर रहे हैं। फिल्म को 14 सितंबर 2018 के रिलीज के लिए शेड्यूल किया गया। अब चलते हैं फिल्म की बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की ओर। हालांकि ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी होगी पर ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिल्म अपने फर्स्ट डे में 4 से 8 करोड़ तक कमा लेगी। तो दोस्तों फिल्म का रेटिंग तो बहुत ही हाई होगा पर क्या ये मूवी भारत में हिट हो पाएगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट bollywoodclassroom.com का जरूर विजिट करें और हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर में जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे।